लेकिन इस सबके बीच शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान लगातार बढ़ रहा है। और एक और बहुत बड़ी खबर ये सामने आई, शरद पवार अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उद्धव और कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच इसको लेकर बैठक हुई है, प्राथमिक चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो साफ कर चुके हैं आखिरी फैसला कांग्रेस हाई कमान लेगा। रौनक, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब प्लान बी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने, तो उसका खाका क्या रहने वाला है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो प्राथमिक तौर पर बातचीत हुई है कि अगर शरद पवार कोई दूसरा फैसला आने वाले वक्त में लेते हैं तो ऐसे में दोनों पार्टियों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को अगर हराना है तो महाविकास आघाड़ी अगर इंटैक्ट रहती है तो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किल होगी। लिहाजा कांग्रेस और शिवसेना इस प्लान पर भी काम कर रही है कि अगर शरद पवार एन मौके पर कोई दूसरा फैसला लेते, फिलहाल तो सार्वजनिक तौर पर वो यही कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन शरद पवार का जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, उनको इतना जल्दी पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल जो है वो रहता है, और इसीलिए अब प्लान बी पर काम शुरू किया है कि लोकसभा की जो 48 महाराष्ट्र की सीटें हैं उसमें कांग्रेस और शिवसेना को कितनी सीटें जाएगी और क्या कुछ किस तरह से कैंडिडेट होंगे, इसको लेकर भी नेताओं के बीच में प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया रौनक कुकरे इस तमाम अपडेट के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।